Hi guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope you all are good. My name is Brishti and I'm back with a new video. And today I'm gonna review this product. I hope it's visible. इसका नाम है Biotic Advanced Ayurveda Sunshield Sandalwood Sunscreen Ultra Protective Lotion. It's a product by the brand Biotic. Outer packaging इसकी कुछ ऐसी है. I'm gonna show you how it looks from inside as well. We're gonna open it and take out this. इसका weight है 120 ग्राम और इसका printing price है 410 रुपए. बट मैंने इसे ऑनलाइन मंगवाया है और मुझे ये काफी सस्ता पड़ा. तो अगर आपको भी इसे ऑनलाइन मंगवाना है, I'm gonna put the link in the description below. आप वहां से जाके इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं. इसकी शेल्फ लाइफ है 3 साल और यहाँ पे साफ साफ कुछ बातें लिखी गई है. आई लव टू हाईलाइट इट. Number 1, it's an Ayurvedic recipe. Number 2, it's 100% botanical extract. Number 3, it's organically pure and preservative free. Number 4, dermatologically tested for our safety, for our skin safety. And Number 5, no animal testing. इसे जानवरों पर टेस्ट नहीं किया गया है. बहुत हो गई प्रोडक्ट की बातें. आप जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में. इसमें बेसिकली 5 इंग्रेडिएंट्स हैं. Number 1 इज सैंडलवुड, Number 2 इज सैफरन, Number 3 वीचर्म, Number 4 हनी एंड Number 5 बार्क ऑफ अर्जुन ट्री. एंड नाउ आई एम गोना एक्सप्लेन इन इंग्रेडिएंट्स के फायदे क्या है. पहला इंग्रेडिएंट है सैंडलवुड यानी कि चंदन, जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है. चंदन हमारे स्किन को बहुत ही सूद और शांत रखता है. सैंडलवुड ऑल्सो रिड्यूसेस द अपीयरेंसेस ऑफ पोर्स इन आवर स्किन एज वेल एज इट एक्सफोलिएट्स आवर स्किन. और ये हमारे स्किन के टैन मार्क्स और डार्क स्पॉट्स को भी हटाने में मदद करता है. एंड ऑल्सो सैंडलवुड ऑयल कैन बूस्ट आवर स्किन्स ब्राइटनेस. दूसरा इंग्रेडिएंट है सैफरन यानी कि केसर. केसर हमारे स्किन को सन डैमेज से बचाता है और पिगमेंटेशन कम करने में भी मदद करता है. एंड ऑल्सो सैफरन प्रिवेंट्स आवर स्किन फ्रॉम लॉन्ग टर्म डैमेज. तीसरा इंग्रेडिएंट है वीचर्म यानी कि गेहूं के बीज. Wicham oil is a good source of vitamin E, K and B. It moisturizes our skin, helps in anti-aging, providing a cooling effect to sunburned areas. Also, it helps in regenerating our skin cells and also restore the skin's natural oil. चौथा ingredient है honey, यानी कि शहद. शहद हमारे skin को sunburn से बचाने में बहुत मदद करता है. The moisture from honey helps in reducing inflammation, redness from our skin. And last ingredient है bark of अर्जुन tree, यानी कि अर्जुन पेड़ की छाल. अर्जुन के छाल skin से tanning और pigmentation हटा पाता है due to its pitta balancing properties. It helps in the formation of new skin cells as well as it hydrates our skin. Ingredients के बारे में बहुत बातें हो गई. Now I'm gonna talk how to use it. It's written here, apply liberally before sun exposure, reapply as needed after swimming or perspiring activities. Because this sunscreen helps in reducing the risk of skin aging and other harmful effects of sun. मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, ये सनस्क्रीन हमारे स्किन को सन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है. सो बेसिकली हमें इसे बाहर धूप में जाने से पहले स्किन में अच्छे से अप्लाई करना है ताकि ये हमारे स्किन को धूप के किरणों से बचा पाए. ओके, नाउ आई एम गोना गिव यू अ डेमो हाउ टू यूज इट. इसे ओपन करना भी बहुत ही आसान है. यू जस्ट नीड टू डू लाइक दिस. डब्बा खुल गया. आई होप इट्स विजिबल. सो मैंने अपने हाथ पे थोड़ा सा सनस्क्रीन निकाला है जस्ट टू शो यू द टेक्सचर. इसका बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है. जैसे आप इसे स्किन पे अप्लाई करोगे आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा. ओके, टॉकिंग अबाउट द कलर, द कलर इज ऑफ वाइट एज यू कैन सी. बहुत ज्यादा वाइट कलर नहीं है. एज वेल एज टॉकिंग अबाउट द फ्रेग्रेंस, कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है. आपको किसी भी तरीके का इरिटेशन नहीं होगा इसके स्मेल से कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस. वैसा कुछ भी नहीं है. बहुत ही माइल्ड स्मेल है, इनफैक्ट ना के बराबर स्मेल है. तो आप इसे आराम से अप्लाई कर सकते हैं. सो यू कैन यूज इट ऑन योर फेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, स्पेशली दोज पार्ट्स व्हिच आर एक्सपोज्ड टू द सन. ओके, नाउ आई एम गोना यूज इट ऑन माय फेस. As you can already see, I have applied on my entire face and the remaining on my neck portion. And it's not at all greasy. कोई भी चिपचिपाहट फील आपको नहीं आएगा. यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि it is for all skin types and very importantly one point is mentioned here. It is very water resistant. Basically, it retains SPF after 80 minutes in water. It is written here. I don't know ये सच है कि झूठ. Maybe it's true. I don't know. Honestly speaking, मुझे ये काफी सही स्किन केयर प्रोडक्ट लगा एंड आई यूज इट ऑन अ डेली बेसिस. एंड रिमेंबर वन थिंग, कोई भी प्रोडक्ट 1 दिन 2 दिन लगाने से इट्स नॉट गोना शो यू द रिजल्ट. यू हैव टू यूज इट रेगुलरली टू गेट द बेस्ट रिजल्ट. सो अगर आप इसे भी यूज कर रहे हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, एक दिन या 2 दिन यूज करके डू नॉट स्टॉप. अनलेस एंड अनटिल यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ इरिटेशन ऑन योर फेस, देन स्टॉप यूजिंग इट. अदरवाइज इफ द प्रोडक्ट फील्स गुड ऑन योर स्किन, काइंडली अप्लाई इट एवरी डे ऑन अ रेगुलर बेसिस टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स. अगर आप भी इसे मंगवाना चाहते हो, मंगवा सकते हो. इस्तेमाल करना चाहते हो, कर सकते हो. और अगर आपने इसे ऑलरेडी इस्तेमाल किया है, राइट डाउन योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. एंड इफ यू लव दिस वीडियो, यू नो व्हाट टू डू. लाइक माय वीडियो, शेयर इट. आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो. आई विल बी देयर टू आंसर यू. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस. वन मोर थिंग, अगर आपको व्लॉग्स देखना पसंद है तो आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी एक्सप्लोर कर सकते हो. वहां पे मैं अपने व्लॉग्स डालती हूँ. आई होप यू लाइक इट टू. डू विजिट इट वंस. टिल देन, बाय बाय.